ये तो सिर्फ रोड की रैली थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाह रही हूँ सरकार को और निर्देश चौधरी, अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश कर देना तो हम इनके ना जहाँ घरों में चूल्हे चलते हैं ना दिल्ली में, वहाँ ट्रैक्टर टीलर हैरो वहाँ खड़ी कर दे। अरे मोदी तेरा नाश जाएगा। सरदार बीएम सिंह उन्होंने आज घोषणा कर दी है कि वो आंदोलन वापस ले रही हैं, क्या कैसे देख रहे हो, कितना फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? वो तो पहले से ही अलग थे, वो पहले से ही अलग थे। वो तो एक जो उन्होंने अपना संगठन का नाम कर रखा था वो एक दिखावा कर रहे थे, उनका हमारे इससे कोई लेना देना नहीं था और वो पहले से ही अलग थे। लेकिन दो महीने से बॉर्डर पर तो आपके साथ ही थे वो। नहीं, हमारे साथ थे, उन्होंने अपना लगा रखा होगा जो भी है, अपने जो भी उन्होंने दो चार किसान अपने साथ उसमें कर रखे होंगे। अभी देखिए, वो आपको देखने को मिला होगा, अभी जो हमारे कम से कम भी नहीं लगभग 4-5 हज़ार किसानों ने उनके विरोध में रैली निकाली है इसी गाजीपुर बॉर्डर पे। तो उन्होंने जैसा करा है किसानों की आँख खुली हैं, जो भी 4-6-10 लगभग 10-20 हज़ार 10-20 लोग जो भी उन्होंने अपने साथ जोड़ रखे होंगे वो उन किसानों ने उनके विरोध में निकाली है और वो पहले से ही अलग थे। क्या इससे फायदा उठाएगी सरकार को इन चीज़ों का? सरकार क्या फायदा उठाएगी? सरकार तो देखिए, सरकार ने कहा था कि ये चंद किसान है, मुट्ठी भर किसान है, उसी चंद किसान की ट्रैक्टर परेड को देख के सरकार के कल हिल गई सरकार। तभी वो शुरू से कोई ना कोई रूपरेखा नई से नई रणनीति बनाते ला रही थी बार बार सरकार के, सरकार किसानों को तिरविड करा जाए, है ना। जो आंदोलन में से, ऐतिहासिक आंदोलन में से जो इतिहास लिखा जाएगा, जिस आंदोलन पर पूरी दुनिया की नज़र है, उस आंदोलन पर में से कहीं भी वो बैठे हों, मैं बीएम सिंह जहां भी बैठे हों, लेकिन वो पीठ पे खा के भागने का काम करा। वो टिकट पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं जी। जैसे कि क्या आरोप लगाए? ये जो कल की घटना हुई है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, वो जिम्मेदार हैं, वो पीठ पे खाए हुए, वो पहले से सरकार से मिले हुए थे। बीएम सिंह शुरू से सरकार से मिले हुए थे और वो सरकार के ही नुमाइंदा थे, तभी तो वो पीठ पे खा के भागे हैं। राकेश टिकैत और सीने पे गोली खाने वाले हैं, पीठ पे नहीं, और वो बराबर आगे रहे हैं अपने किसानों के साथ। और पूरे दुनिया जानती है राकेश टिकैत कौन है, किसानों के मसीहा हैं, किसानों के हितैषी हैं। लेकिन जो कल की घटना हुई है उसे कैसे देख रही है? कल की घटना जो हुई है वो सरकार की रणनीति थी, सरकार ने बार करवाया है, किसान भोला भाला था। जो किसानों के लिए रूट तय हुआ था तो वहाँ बैरिगेटर क्यों लगाए गए? पुलिस ने रास्ता साफ क्यों नहीं करा किसानों के लिए, बताइए? लगभग हमारे 3-4 लाख ट्रैक्टर थे, तो पुलिस जब बात हो गई थी तो पुलिस को रोड साफ कर देना चाहिए था। पुलिस को जब हम किसान पुलिस का सहयोग कर रहे थे कि आप गलत रोड पर चले गए थे, आपको रूट जो दिया था वो दूसरा रूट था। ये किसान जो है क्या दिल्ली में ही ट्रैक्टर चलाने का काम करा? इन्होंने खेतों में चलाया था, खेतों को जानते हैं जो उतना। जब पुलिस से वार्ता हो रही थी तो पुलिस को साथ में लेके निकलना चाहिए था, रास्ता बताना चाहिए था। पुलिस और ये सरकार की रणनीति थी कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरू से ही वो लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ करेंगे, वो रणनीति बनाते आ रहे थे, और जिसमें कि कुछ शायद पुलिस भाइयों के जो है चोट फीट आई है, लेकिन उसी में हमारा एक किसान भाई शहीद भी हुआ और हमारे कई किसान भाइयों के चोट भी आई है। जो लाल किले पर झंडा फहराया वो बड़ा सुर्खियों में है, उसको कैसे देख रहे हैं? लाल किले पर जो झंडा फहराया, तिरंगा फहराया है नहीं, वहाँ पर एक झंडा और फहराया गया, धार्मिक झंडा, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है पूरे देश भर। वो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार उसकी जाँच करे, और जहाँ 10-10 हज़ार किसान बैठे हुए आंदोलन चला रहे हों, वहाँ बैरिगेटर लगे हुए हों, वहाँ फोर्स लगी हुई हो, तो लाल किले पर जाके क्या किसान झंडा फहरा देगा वो वाला? बताइए, उस लाल किले की जिस पर 2400 घंटे सुरक्षा रहती हो, जहाँ हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता हो, परेड मनाई जाती हो, तो वहाँ एक किसान जाके झंडा फहरा देगा? वो सरकार का बीजेपी का एजेंट है और उसका नाम भी खुल चुका है, सरकार उसकी जांच करे। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है। लेकिन कल जो पूरे हालात हुए उससे इस आंदोलन की
दशा और दशा क्या रहेगी? कुछ भी नहीं, हमारा आंदोलन कहाँ जा रहा है? आंदोलन चलेगा, बढ़िया चलेगा और अनुशासन में रह के चलेगा और शांति, जैसे शांतिपूर्वक से हम पूरे किसान भाई हमारी मातृशक्ति चला रही थी, वैसे भी आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, बिल वापसी घर वापसी, हम कहीं नहीं जा रहे, दिल्ली घेरे रखेंगे। किसान नेता तो जा रहे हैं घर? नहीं, कोई किसान नेता घर नहीं जा रहा। जो जैसे कि देखिए, एक दिन दो घंटे दिल्ली सरकार को किसानों के ट्रैक्टर झेलने भारी पड़ गए, और वो ट्रैक्टर जिन्हें कहते थे ना 10 साल पुराने नहीं चले गए, इसी रोड पर 50 साल पुराने ट्रैक्टर चलाए हैं किसानों ने। जब दो घंटे झेलने भारी पड़ गए तो क्या 4 दिन ट्रैक्टर झेल लेंगे हमारे 4-5 लाख? बताइए, वो किसान गए हैं, जैसे हमारा आंदोलन पहले चल रहा था वैसे ही आगे चलेगा, और किसान भाई मेरे आते जाते रहेंगे और हैं भी। लेकिन कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सरकार पुलिस भी कह रही थी, दिल्ली पुलिस, कि ऐसी हमें आशंका है कि जब ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो कोई ना कोई घटना होगी, और आखिर वही हुआ। आशंका उन्हें होती है जिन्होंने रणनीति बनाई होगी, हमें कोई आशंका नहीं थी, हमने शुरू से अपना एक ही बयान दिया, हम अनुशासन में रहने वाले हैं, भोले वाले किसान हैं, और हम अनुशासन में अपनी किसान परेड निकालेंगे। तो आप रणनीति समझे क्यों नहीं फिर उनकी? अब भाई वो कितना चला रही है, पुलिस से एक तरफ वार्ता करवा रही है कि ये रूट दिया दिया जाए, पुलिस दे रही है, सब बात हो रही है, तो पुलिस ने बैरिगेटर क्यों लगाए, किसानों को क्यों भटकाया, एक रास्ते से दूसरे रास्ते किसानों को क्यों काटा, क्या किसान इन रोड पर ट्रैक्टर चलाना था? किसान गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पर FIR हो रही है, उनका कैसे उनका देखा जाएगा? जो होगा देखा जाएगा, ये FIR करें, जेल भरो आंदोलन कर देंगे हम, जेलें कम पड़ जाएंगी इनकी। ये हिंदुस्तान का किसान, ये हिंदुस्तान का किसान है, और ये आंदोलन किसके किसके नाम से जुड़ा है? सरकार जिस टाइम टिकैत साहब के यहाँ बिगुल बजता था ना आंदोलन का, तो संसद में बैठे दिल्ली में सत्ताधारियों की नीचे की जो कुर्सी थी वो हिल जाती थी कि बाबा टिकैत का बिगुल बज चुका है और चारों तरफ से आवाज आ गई, अब हम कैसे बचेंगे, इस आंदोलन से कैसे बचेंगे, समझ गए? ये आंदोलन उसी टिकैत का है, जो टिक गया वही टिकैत है, और ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन मैडम अब टूट तो शुरू हो चली है ना, जो सरकार चाहती है तो वही हो रहा धीरे धीरे। नहीं, क्या चाह रही सरकार? सरकार तो शुरू से चाह रही थी कि किसान घर चले जाए, मुट्ठी भर किसान है, थोड़े से किसान है। देखो अभी हम बता दें आपको, आप रेगुलर देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी श्री राकेश टिकैत जी, वो छोटे से शब्दों में बोल रहे थे किसान भोला वाला सीधा साधा, किसान सिर्फ परेड निकाल लेगा, किसान आंदोलन अनुशासन में चला रहा, हम क्रांतिकारी हैं लेकिन अपने अधिकार के लिए, लेकिन अनुशासनहीनता करने वाले नहीं है। सरकार मोबाइलों के नेट बंद करवा देती है, एक दूसरे से संपर्क ना कर पाए, सरकार नई नई जगह जगह उसने घोषणा करी कि 700 चौपाल लगाएंगे, अपने ही किसान अपने ही वो बैठा के खरीदे हुए गुर्गे और उन्हें ही किसान बता के कि वो किसान समर्थन में, वो किसान समर्थन में। मैडम कुछ किसान कह रहे हैं कि कल हमें ट्रैक्टर रैली जो निकालनी थी वो नहीं निकालनी चाहिए, ये क्यों? कोई किसान नहीं कह रहा, ये सब सरकार झूठे झूठे बयान कर रही है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश कर देना, ये तो सिर्फ रोड की रैली थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाह रही हूँ सरकार को और निर्देश चौधरी, अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश कर देना तो हम इनके ना जहाँ घरों में चूल्हे चलते हैं ना दिल्ली में, वहाँ ट्रैक्टर टीलर हैरो वहाँ खड़ी कर दे। बाबा जी अब तो ट्रैक्टर रैली भी निकल गया, अभी भी सरकार नहीं मानी है भैया। अब राकेश रुके आछे में लगे रहो, महाभारत है जाएगो मुचलिए ना, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पुलिस हमारी, आर्मी हमारी, या को कहा है देश लूट के खाए जा, कहाँ ले जाएगे, या को भंडो ना भंडो, बस इतना ही है कि मांग वापसी तो घर वापसी और मांग नहीं है वापसी तो किसानों के चोट लग गई और यही के सरिया बजा रहे उनमें, कई ट्रैक्टर भी बेकार हो गए टूट गए। हाँ, और हमारे बहुत कुछ नुकसान, मांगेराम त्यागी ने इनके पेटे सरिया खींची है, जो आगे गोपत्ती जो ऐप कर रहे गाय मोदी के, अरे मोदी तेरा नाश जाएगा, हम मुझे हो रही है महाभारत कर देंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। हाँ हटेंगे नहीं,
महाभारत हम ये।